हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट चैप्टर एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर विच इज़ अबाउट द सेल डिवीजन। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर एंड की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे वो आप लोग याद करके आ जाएँ। ठीक है, चलें मूव करते हैं हम सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि सेल डिवीजन के बारे में है। एक्चुअली सेल क्या है? सेल यू नो द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती है सेल। ठीक है, कि हम सब इंसान ही नहीं बल्कि लिविंग पूरे लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो भी हैं हम सब सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बड़े होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तब हमारी साइज़ कम होती है, और जब हम जो ही बड़े होते हैं तो तब हमारी साइज़ भी बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारे सेल्स जो है वो ग्रो हो रहे होते हैं, तो इस हिसाब से हमारी एजिंग भी हो जाती है। ठीक है, चले हम स्टार्ट कर लेते हैं बुक वाले क्या कहना चाहते हैं। तो इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। इट आल्सो ऑब्जर्व देयर ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब जो ही लिविंग थिंग्स बड़े हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह के ही दिखाई देते हैं। तो तभी तो लोग, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चों में, जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, और वो कैरेक्टर्स ही मतलब किसी और को पहचानने में मदद देते हैं कि आप फलानी की औलाद हैं, आप इसी के बेटे हैं, इसी के भाई हैं। वो लोग इस तरह गेस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलें। हेंस मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। We do now cell come from where do you think cell come from? The answer of this question is quite simple, that the new cells are produced by the division of the pre-existing cell. यानी जो हमारे सेल की भी कुछ लिमिट्स होते हैं, ठीक है, कि वो जब एक्सपायर हो जाते हैं वो अपना काम कर जाते हैं, जो आप उनके फंक्शंस होते हैं, फिर वो जब डिवीजन होती है तो फिर उसके रिजल्ट में नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमें कोई कहीं कट लग जाता है, ठीक है, हमारे हाथ में पाँव में कहीं कट लग जाता है, तो वो सेल्स दोबारा क्या होते हैं, नीचे से न्यू स्किन आ जाती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सेल्स जो है वो रिकवर हुई है, जो तभी तो हीलिंग का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सेल डिवाइड होने के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, कि सेल डिवीजन जो है किस तरह की होती है हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल दियर पेरेंट्स? इज इट द हेरिडिटी विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस इन द ऑफस्प्रिंग विद दियर पेरेंट्स? हेंस हेरिडिटी इज द बेसिक हेरिडिटी इज़ द बेसिक थिंग। ठीक है, कि मतलब पेरेंट्स से जो कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। सेल की डिवीज़न हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, सेल डिवीज़न इज़ ए प्रोसेस बाई विच ए सेल डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल्स। से एक टोटल सेल होता है, जो यहाँ पे आपके नीचे ये जो आपको नज़र आता है ये एक सेल है। ठीक है, ये इस सेल के अंदर आपको क्रोमोजोम्स भी दिखाई देंगे, सेल वॉल भी दिखाई देंगे, ये दो सेंट्रोमियर्स है वो आपको दिखाई देंगे, और न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, यही पूरा सेल है, इसी ने ही आगे जाके क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है। ठीक है, इसी सेल ने डिवाइड होना होता है, और इसके रिजल्ट में दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेल डिवीजन द पेरेंटल सेल पास थ्रू द फेज कॉल्ड इंटरफेज। असल में जब सेल डिवाइड होने जा रहा होता है तो उस दौरान एक चेंजिंग आ जाती है, यानी एक इंटरफेज कहलाती है, एक फेज आ जाती है, वो फेज कहलाती है इंटरफेज, जहाँ पे वो सेल अपने आप को तैयार करता है कि उसने आगे जाकर डिवाइड होना है। ठीक है, तैयार इस तरह करता है बेटा कि ना वो जो है सेंट्रोमियर जो है वो एक दूसरे के पोल में चले जाते हैं। ठीक है, पोल यानी इस तरह, ये दो सेंट्रोमियर्स हैं ना,
एक इधर रहेगा और दूसरा वाला इसके अपोजिट बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, तो फिर वो पोज होते हैं, ठीक है, अपोजिट पोज में चले जाते हैं और इनसे फाइबर्स निकलना स्टार्ट करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेल डिवीजन होने जा रही है, ठीक है, और इस क्रोमोजोम जो है ना वो अपियर होने लगते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो वो अपियर यानी दिखाई देते हैं, वाज़ह तौर पर दिखाई देते हैं जब वो सेल डिवीजन सेल डिवाइड होने जा रहा होता है तब, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोजोम इज द न्यूक्लियस एंड डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द क्रोमोजोम आर डिवेलप, और इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम की डुप्लीकेट होते हैं यानी वो डबल बनना स्टार्ट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन टू फेजेस, सेल जब डिवाइड होने जा रहा होता है तो तब वो दो प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है, एक न्यूक्लियर डिवीजन कहलाती है और दूसरा कहलाती है साइनोकाइनेसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन के टू फेज आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस वाइल विच इज फॉलोड बाई द साइनोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन होती है यानी वो न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है ना इसकी डिवीजन हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद साइनोकाइनेसिस होती है यानी साइनोकाइनेसिस कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म को, पहले ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होता है फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म ब्रेक होती है तो वो सेकंड स्टेप आ जाती है, साइनोकाइनेसिस कहलाती है, ठीक है। बाकी इस ब्लू वाले टेबल में भी यही बताया गया है कि इसके बारे में बताया गया है कि जो है डीएनए का फुल नेम आपको यहाँ पे कहा गया है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आप लोगों ने ना स्पेल के साथ याद करना है उसका फुल फॉर्म क्या है डीएनए का, ठीक है। और इसके अलावा ये बताने यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं जो कैरेक्टर जिनके पास वो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आगे ट्रांसफ़र होना होता है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि फॉर वन काइंड ऑफ स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हाँ यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है ना, हमारे ह्यूमन बीइंग के पास मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कुछ के पास ज़्यादा होंगे कुछ के पास कम, नहीं, 46 होते हैं 46 होते हैं और 23 पेयर्स बनाते हैं तो वो 23 पेयर्स होते हैं उस नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। और इसी तरह ये जो है हर चीज़ का डिफरेंट होता है, मंकीज़ में डिफरेंट हो जाते हैं, नीचे वो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके थ्रू हम पढ़ेंगे, ठीक है, हर स्पीशी के अंदर डिफरेंट जो है वो क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ के समझाती हूँ, यहाँ पे द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस, दिस टू सेट ऑफ क्रोमोजोम आर फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू टू सेट ऑफ क्रोमोजोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू डॉटर सेल, ठीक है। जब वो इंटरफेस में हो जाता है ना ये सेल, यहाँ पे ये सेल जब इंटरफेस में आ जाता है तो इसमें डबल होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये सेल है ना इधर आके डबल हुए हैं, देखो ये दोनों सिस्टर सेल कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमोजोम कहलाते हैं, डबल हुए हैं और आगे जाके ना इतना ही दो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे जितना कि उसके पेरेंट सेल के अंदर था, ठीक है। ये आप लोगों ने यानी इसके फेजेस आप लोगों ने याद करना है, ये जो है इंटरफेस है, ये जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन है और ये है साइनोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि ये माइटोसिस क्या है, ठीक है। ये इंटरफेस, इसके बाद यहाँ चेंजिंग आ जाती है, देखें यहाँ पे दो डबल क्रोमोसोम बनते हैं, फिर उसके बाद ये सेंट्रोमियर उनके दोनों पोर पे आ जाते हैं, एक इधर सेंट्रोमियर आ जाता है, एक इधर सेंट्रोमियर आ जाता है, और ये जो है फाइबर्स निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब फाइबर निकलते हैं तो तब तक ये दरमियान में चले जाते हैं, ठीक है, और जितना और दो ऊपर की तरफ ये खींच रहे होते हैं, फिर तो ये सेंट्रोमियर इनकी तरफ खींच रहे होते हैं, तो फिर देखें यहाँ पे साइनोकाइनेसिस हो जाती है, तो फिर क्या होती है वहाँ पे एक जो है सेंट्रोमियर आ जाता है, और इसमें क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मोस्टली जो माइटोसिस जो है ना वो बॉडी के हर पार्ट में हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, जैसे कि हमारे हाथ में कोई कट लग जाता है, हमारे पाँव में कोई कट लग जाता है, तो वहाँ बॉडी के पूरे पार्ट्स में तकरीबन क्या हो जाती है जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जबकि मियोसिस उसका अपोजिट है, ठीक है। मैं आपको वो समझाऊँगी, असल में वो गेमेट्स जब बनते हैं तब उसके लिए ये प्रोसेस होता है मियोसिस, ठीक है। और प्लांट्स में स्पोर्स बनने जा रहे होते हैं तब उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि ये दोनों आगे ऑफस्प्रिंग ये असल में रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होते हैं, बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के जिसको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, आपको बुक में भी यहाँ पे गिवन है, तो उसको सोमेटिक सेल्स में जो है वो मियोसिस माइटोसिस हो जाते हैं, ठीक है, बाकी उसमें मियोसिस हो जाते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन्स, ठीक है, माइटोसिस वन डिवीजन एंड माइटोसिस टू डिवीजन। ड्यूरिंग माइटोसिस वन डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंटल सेल। माइटोटिक सेकंड डिवीजन इज सिमिलर टू मियोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिलेट टू फॉर द डॉटर सेल। असल में ना माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में चार डॉटर सेल्स बनते हैं। वो मियोसिस का मैं आपको बता दूंगी कि वो क्या है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर मियोसिस का होगा। जे चलें यहाँ पे इस डायग्राम में डिफरेंस बताए गए हैं, इनको भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ड्यूरिंग माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंटल सेल, जबकि मियोसिस में क्या होते हैं चार बन जाते हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द डॉटर सेल इज रिमेन बराबर हो जाते हैं, जितने पेरेंटल सेल में होते हैं उतना डॉटर सेल में भी होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं एक एक चला जाता है, चाहे मतलब पेरेंटल सेल में दो है तो डॉटर सेल चार बनते हैं, तो हर चार में से एक एक चला जाता है क्रोमोसोम। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि माइटोसिस ओकर इन जनरल बॉडी सेल, जब पूरे बॉडी सेल में पाया जाता है, जबकि मियोसिस ओकर इन दी प्रोड्यूस गेमेट्स यानी स्पर्म और एक मिलाकी गेमेट्स कहलाते हैं, एनिमल्स में होते हैं ये, और स्पोर्स प्लांट्स में होते हैं, तो वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा यहाँ पे हेरिडिटी क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग पास ऑन दियर डॉटर, रिप्रोडक्शन के दौरान और जिस तरह के कैरेक्टर्स पेरेंट्स में पाए जाते हैं वही उनके ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, तो उसी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारी हेयर कलर होती है, हमारी स्किन कलर होती है, हमारी हाइट होती है, हमारी वेट होती है, ये सब कुछ जैसे कि हमारे पेरेंट्स के जिस तरह के बाल थे, जिस तरह के हेयर थे, वो अगर हम में ट्रांसफ़र होते हैं तो इसका ये मतलब है ना कि उनके कैरेक्टर हम में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से सिमिलर कर देते हैं, तो वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटरी। द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर, यही कहना चाहते हैं कि हेयर कलर होती है और अटैच ईयर लोब्स, जैसे कि कुछ के ये कान जो है नीचे अटैच होते हैं और कुछ के फ्री ईयर लोब्स होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टर है जो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। बेटा यहाँ पे भी हमारे लिए एक डायग्राम दी गई है, आप लोगों ने भी इसको कोशिश करना है फिल करने की, ठीक है। यहाँ पे हेयर कलर आपकी क्या है, आपके आई कलर क्या है, आपका कम्प्लेक्शन किस कलर का है, और आपकी हाइट की अपने बारे में लिखना है, और फादर के बारे में लिखना है, मदर के बारे में लिखना है, सिस्टर के बारे में लिखना है,
ब्रदर के बारे में लिखना है, पेटर्नल और मेटर्नल जो है दादी नानिया और दादिया दोनों के आप लोगों ने लिखना है, तो आपको आप लोगों को कुछ ना कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे, तो इसका मतलब है वो आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं यहाँ पे एक वर्ड है वेरिएशन, ठीक है बेटा। जाहिर सी बात है अब हूबहू हम लोग पेरेंट्स की तरह के तो नहीं होते हैं ना, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो डिफरेंट भी होते हैं, इवन हम भाई बहनें भी एक दूसरे के साथ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं सिमिलर ब्रदर एंड सिस्टर आर आल्सो डिफरेंट इन मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है। डिफरेंस अमंग दियर फैमिली मेंबर आर द स्पेशल कॉल वेरिएशन, वो कैरेक्टर जो हमें ना अपने भाई बहनों से या हमें माँ बाप से डिफरेंट कर लेते हैं ना, मतलब वो कैरेक्टर्स होते हैं वेरिएशंस कहलाते हैं, ठीक है। जो वो कैरेक्टर जो उनसे हमें आए नहीं हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसा कि कुछ पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनके बच्चों की हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ ना वो अपने पेरेंट्स का, तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ के बाल स्ट्रेट होते हैं पेरेंट्स के लेकिन उनके बच्चों के बाल कर्ल होते हैं, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, ये सब कुछ वेरिएशन में आ जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे उसकी वेरिएशन का बेनिफिट यही होता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ वो बंदा ज़्यादा कम्पीट कर सकता है। जैसे कि एक बच्चे बहुत उसके पेरेंट्स बहुत शार्प है लेकिन और उसके बच्चे भी उससे भी ज़्यादा शार्प है, तो उसके बच्चों के लिए अच्छा हुआ ना कि वो इन्वायरमेंट के साथ कम्पीट कर सकते हैं, उनको जो है न्यू चीज़ें मतलब डिवेलप करते हैं, तो फिर इस हिसाब से वेरिएशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कहना चाहते हैं कि बेसिक ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं ना वो क्रोमोसोम करते हैं लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर ना जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। जीन्स ये इसकी डिफिनीशन आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन एक्ट एज द इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल कॉल प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन और क्रोमोसोम मिलके जीन्स बनाते हैं, ठीक है। फिर वो जीन्स दो पेयर्स में पाए जाते हैं, एक इंडिविजुअल नहीं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, वो एलाइज कहलाते हैं। तो उनका काम होता है कि वो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफ़र माँ बाप से करें, ठीक है। वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर कम फ्रॉम ए मेल पेरेंट्स फादर एंड वाइल द अदर मेंबर वाइल द अदर जीन कम फ्रॉम द फीमेल, ठीक है। यानी हमारे पास 46 हैं तो पेयर्स बनाकर 23 होते हैं, तो एक हमें पेरेंट्स फादर से आ जाता है और दूसरा हमें मदर से आके, तो हमारे पास क्या होते हैं वो उसके पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। हमारे पास इस तरह 23 होते हैं। वेयर आर जीन फाउंड फिजिकली, ठीक है। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। वो ना बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो है उस वो पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी डीएनए का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। इस तरह का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इधर से एक हेलिक्स आ जाता है, दूसरा हेलिक्स इधर आ जाता है, ठीक है। इन दोनों को ये पूरा दिया गया है जीन, और इस पूरे को ना लेडर शेप यानी सीडी की तरह का होता है, तो उसे डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये देखो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यहाँ पर, वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। और इस जीन के अंदर ये क्रोमोसोम इस तरह लगे हुए होते हैं, इनको खोल के आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ये दोनों क्रोमिट्स होते हैं, ये दोनों क्रोमिट्स होते हैं और ये दरमियान वाला सेंट्रोमियर कहलाती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और बस यही कहना चाहते थे कि विच आर अटैच एट द सेम पॉइंट का सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की डिफिनीशन यहाँ पे कहना चाहते हैं और क्रोमिट्स की डिफिनीशन इसमें कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में, यानी इसी को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अदर थिंग,
यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ना मेन में 46 होते हैं, मेस में 20 होते हैं, मंक में 48 होते हैं, ऑनियन में 16 होते हैं, कैट में 30 होते हैं और स्पीड में 14 होते हैं। ये आप लोगों ने याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं अक्सर पेपर में। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी, वही कहना चाहते हैं कि हर पेरेंट यानी ये मंकीज में ऑनियंस में ही इसी जो भी यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, हर स्पीशी में एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, असल में इस डीएनए को ना इन दो साइंटिस्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। कहते हैं ये दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है, तो इन्होंने इस मॉडल को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था ये डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर चार टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है एडनीन, एक होता है थायमीन, दूसरा होता है साइटोसिन और गवानीन, ये चार टाइप के हुए ना। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि देयर आर एडनीन, एडनीन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमीन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन सी से रिप्रेजेंट करते हैं और गवानीन जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी ना एक स्पेसिफिक नंबरिंग होती है, यानी इधर थायमीन है तो इधर गवानीन, इधर साइटोसिन है तो इधर एडनीन होगा, इस तरह इनकी नंबरिंग होती है स्पेसिफिक, ठीक है, इसी हिसाब से वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गैमेट्स फ्रॉम आर एग बाय मियोसिस, ये मियोसिस के प्रोसेस से गुजर के ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस इन ए गैमेट्स, यानी हाफ हाफ होते हैं दोनों में, ठीक है, और जब हाफ मेल और हाफ फीमेल, ठीक है, और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो आगे कैरेक्टर आगे जो है न्यू जो ऑफस्प्रिंग बनने जा रहे हैं उनमें डाइफाइट्स होते हैं, यानी डबल होते हैं, ठीक है, और वो ऑफस्प्रिंग जब इनिशियल स्टेज में हो जाता है तब उसे जायगोट कहते हैं, ठीक है, फिर वो जायगोट ही एक बड़ा होकर एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटीरियल डीएनए इज रिस्टोर इन द जायगोट, ठीक है, मतलब हाफ पेरेंट्स से हाफ फादर से हाफ मदर से आके फिर पूरा जो है वो डीएनए इस तरह डीएनए बन जाते हैं, यानी ये डीएनए जो है इधर हाफ एक पेरेंट से आ जाता है, दूसरा हाफ पेरेंट से आ जाके आके वो जायगोट में वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, इसी का काम होता है। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द कैरेक्टर जीन पेयर आर ट्रांसमिट इन जायगोट, जायगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप इनटू फुली ऑर्गेनिज्म, वही कहना चाहते हैं कि वो बाद में एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, द कैरेक्टर सच एज आई कलर स्किन हेयर फ्री ईयर अटैच लॉक्स हाइट इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक कैरेक्टर है जो बच्चों में ट्रांसफर होती है, आर ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग, सच कैरेक्टर आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जाहिर सी बात है जनरेशन कहते हैं जैसे कि हमारे माँ, हमारे दादी दादी दादा और उसके बाद पेरेंट्स और उनके बच्चे, ठीक है, ये जनरेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर जो बच्चों में उनके दादा दादी की तरह दिखते हैं, कुछ कैरेक्टर उनसे ही ट्रांसफ़र होते हैं, जो उनके कुछ दिखने में तो वही होते हैं जो उनके दादा दिखते हैं या दादी दिखते हैं, वो कैरेक्टर कहलाती है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जो आपको एक विरासती तौर पर आपके आपके फैमिलीज में वो चल रही होती है, ठीक है, वो कहलाती है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। ये भी कौन कंट्रोल करता है, ऑफकोर्स जीन ही कंट्रोल करता है। मेनी कैरेक्टर ऑफ द और कुछ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है, जो कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं वो कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, तो फिर वो होती है नॉन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे सच कैरेक्टर आर का नॉन हेरिडिटरी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल इफ वन ऑर्गन ऑफ पेरेंट इज लॉस्ट आर वीकेंड ड्यू टू डिजीज, दिस कैरेक्टर इज नॉट ट्रांसफर, ठीक है। अब कोई किसी के पास बीमारी है लेकिन आज वो बीमारी नेक्स्ट ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, या कोई माजूर है लेकिन उनके बच्चे ठीक ठाक हैं, ताजत हैं, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर उनमें ट्रांसफ़र
नहीं हुई है, ठीक है। अब आप लोगों ने एग्जांपल मजीद एग्जांपल के थ्रू हमें बताया गया है, इसको आप मजीद आप लोग ज़रा कोशिश करें इसको पढ़ने की, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। वही बातें यहाँ पे भी कहा है कि आई कलर के इसे आई कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, कुछ ट्रांसफ़र होते हैं कुछ नहीं होते हैं, इस तरह ईयर अटैच लोब्स की भी बात की गई है, ये वो कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इधर से आप ज़रा इट विल बी बेटर फॉर यू इफ़ यू कैन यू नो इफ़ यू विल गो थ्रू इफ़ यू विल रीड बाय योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।